लास्ट ईयर अगेन वेलकम ओके। और आज हम लोग विकिरण और द्रव्य की द्वितीय प्रकृति के अंतर्गत आने वाले इस महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण है, दिस इज द आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन ओके। ये बोर्ड के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है ओके। तो आपको इसी पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि प्रकाश विद्युत प्रभाव होता क्या है ओके। तो निश्चित रूप से जब आप किसी धातु के तल पर उचित आवृत्ति का प्रकाश, अब यहाँ पर उचित आवृत्ति के प्रकाश से सीधा मतलब है कि जो लाइट आप फॉल कराएंगे उसकी फ्रिक्वेंसी पे आप ध्यान देंगे। अगर वो प्रकाश ऊंची आवृत्ति का नहीं है तो आप लाख कोशिश कर लें आप धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को बाहर नहीं निकाल सकते हैं ओके। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि जो फ्रीक्वेंसी आप यूज करने वाले हैं प्रकाश की या विकिरण की, उसकी फ्रीक्वेंसी एक मानक या स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी से हाई होनी चाहिए, तभी यहाँ लिखा जाता है ऊंची आवृत्ति का प्रकाश। उच्च आवृत्ति का प्रकाश जब किसी धातु के तल पर गिराते हैं तो उस धातु के तल से मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो उत्सर्जित होने लगते हैं। तो ये जो घटना होती है वो प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना होती है, और जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं उसको हम लोग प्रकाश इलेक्ट्रॉन से जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे चूंकि हम लोग का टॉपिक है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, तो इसकी थ्योरी आपको पहले बतानी पड़ेगी ठीक है ना। और निश्चित रूप से इस समीकरण को प्राप्त करने के लिए आइंस्टीन ने मैक्स प्लैंक के विषय में सन चेक कर लेंगे आप 1905 इनका सन था। तो 1905 ईस्वी में आइंस्टीन ने मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी का प्रयोग किया, क्वांटम सिद्धांत का इस्तेमाल किया, और क्वांटम सिद्धांत का इस्तेमाल करते हुए ये बताया कि प्रकाश, अब देखिए यहाँ पे प्रकाश के विषय में तमाम मत हैं क्योंकि इसके पहले आपने जो स्टडी किया हुआ है अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ओके वी कैन चेक हियर। तो देखिए निश्चित रूप से इसके पहले जो न्यूटन की थ्योरी आई थी या हाइगेंस का थ्योरी आया था या फिर मैक्सवेल की जो थ्योरी आई हुई थी, सबके अपने अपने इंटरप्रिटेशन थे। न्यूटन ने अपने सिद्धांत में कणिका सिद्धांत का इस्तेमाल किया, न्यूटन ने प्रकाश को कण माना ओके। न्यूटन ने प्रकाश को कण माना हुआ है, जबकि हाइगेंस का जो तरंग सिद्धांत हम लोगों ने देखा है या देखने वाले होंगे। तो देखिए निश्चित रूप से हाइगेंस ने अपने तरंग सिद्धांत में उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, प्रकाश को तरंग के रूप में शो किया गया है, जबकि मैक्सवेल जो साथ थे उन्होंने प्रकाश को या विकिरण को वैद्य चुंबकीय तरंग माना हुआ है, जिसके विषय में हम लोग पिछले तमाम वीडियो में चर्चा करते आए हुए हैं ठीक है ना। और अभी भी जब तक क्वांटम थ्योरी नहीं आया था ये एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाया था कि एक्चुअली लाइट का या प्रकाश का विकिरण का स्वरूप क्या होता है। तो यहाँ पे आइंस्टीन साहब ने जो है अपने फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में निश्चित रूप से प्लैंक की क्वांटम थ्योरी का इस्तेमाल किया, और प्लैंक की क्वांटम थ्योरी इस्तेमाल करने के बाद वो निश्चित रूप से सफल हुए ओके। सफल व्याख्या हो गई थी। अब देखिए प्लैंक ने अपनी थ्योरी में ये बताया कि प्रकाश जो होता है वो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स या बंडल के रूप में चलता है, एक बिल्कुल नई परिकल्पना थी क्योंकि इसके पहले कभी किसी ने जो है प्रकाश को इस रूप में शो नहीं किया था। तो क्वांटम थ्योरी के यही खास पहलू होता है कि इसमें जो है कुछ नया ही किया जाता है। तो निश्चित रूप से यहाँ पे प्लैंक ने प्रकाश को ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स या बंडल के रूप में शो किया हुआ है ठीक है ना। उनका जो प्रोपेगेशन होता है प्रकाश का वो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स या बंडल के रूप में हो चलता है वो, और ये जो प्रकाश के रूप में प्रकाश जो बंडल के रूप में चल रहा है उसको हम फोटोन कहेंगे ठीक है ना, फोटोन नाम दिया जाएगा। और निश्चित रूप से प्रत्येक फोटोन की जो ऊर्जा है E = hν, प्रत्येक फोटोन की जो ऊर्जा होनी है वो E = hν होती है। H का मतलब होता है प्लैंक स्थिरांक और न्यू का मतलब होता है आपतित प्रकाश की आवृत्ति ओके। इतना क्लियर होना चाहिए आपको, एक बार फिर समझ लें 1905 सन हो जाएगा ठीक है। और आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत समीकरण को स्थापित करने के लिए क्वांटम थ्योरी का इस्तेमाल किया जो कि मैक्स प्लैंक के द्वारा दिया गया था। मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी का इस्तेमाल किया और प्रकाश विद्युत उत्सर्जन या प्रकाश विद्युत प्रभाव घटना को सफलतापूर्वक स्थापित किया ठीक है ना। और अकॉर्डिंग टू प्लैंक थ्योरी
प्रकाश जो होता है ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स या बंडल के रूप में प्रोपगेट करता है, जिसको हम लोग फोटॉन के नाम से जानते हैं। और प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा आपको याद कर लेनी है, प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा एच नी होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपके न्यूमेरिकल भी बन सकते हैं एक एक नंबर के लिए, ओके। एच का मान आपको याद कर लेना है 6.67 × 10⁻³⁴ जूल सेकेंड न्यू प्रकाश की आवृत्ति होगी। ये फॉर्मूला भी और भी चेंज हो जाएगा, ई बराबर एच न्यू लिखा हुआ है, इसको आप देख सकते हैं ई बराबर एच सी अपॉन लैम्डा, एच सी अपॉन लैम्डा, ओके। तो ये आपका एक पहलू हो जाएगा। कुछ चीजें मैंने यहाँ पे दिखा रखी है, कार्यफलन और दैनिक आवृत्ति, क्योंकि अभी जब हम लोग प्रूफ की तरफ आगे बढ़ेंगे तो इनका इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। अब हमें आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण की स्थापना कैसे करनी है वो आप समझ लें। एक्चुअली जैसे मैंने ये सरफेस शो किया हुआ है, ये कोई धातु का सतह, और इस सतह पर जब कोई प्रकाश किस फॉर्म में, फोटॉन के फॉर्म में जब गिरेगा विद एनर्जी एच न्यू, ठीक है ना। चेक कर लेना है कि जब कोई गामा फोटॉन एच न्यू ऊर्जा के साथ में इस सतह पर गिरेगा तो इस सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा, ठीक है ना। अब एक्चुअल में थ्योरी क्या है, देखिए कि जब कोई एच न्यू ऊर्जा का कोई गामा फोटोन किसी धातु की तरफ गिरता है तो वह अपनी संपूर्ण ऊर्जा, वह अपनी संपूर्ण ऊर्जा धातु के किसी एक इलेक्ट्रॉन को प्रदान कर देगा, ओके। चेक करते जाएंगे, ये जो ऊर्जा फोटॉन का आपने शो किया है एक फोटॉन के लिए, ये किसी एक इलेक्ट्रॉन को प्रदान किया जाएगा, ठीक। अब वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा को अपने अंदर अवशोषित करेगा, अब्जॉर्ब करेगा, ठीक है ना। और दो प्रकार से ये ऊर्जा खर्च होनी है, ध्यान देंगे। ये जो एनर्जी एच न्यू आपने शो किया हुआ है, ये एनर्जी किसी एक इलेक्ट्रॉन को प्रदान किया जाएगा और वह इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा को दो प्रकार से खर्च करेगा। नंबर वन, ऊर्जा का कुछ भाग इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने में, ठीक है ना, ऊर्जा का कुछ भाग इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने में, और शेष भाग उन्हीं इलेक्ट्रॉनों को गति ऊर्जा के रूप में व्यय होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो एच न्यू है दो पार्ट में शो करना है, एच न्यू बराबर डब्ल्यू प्लस ई के। अब डब्ल्यू क्या होता है आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि डब्ल्यू का मतलब है कार्यफलन, डब्ल्यू का मतलब है वर्क फंक्शन। बोर्ड में एक नंबर में वर्क फंक्शन लिखने को आता है, इसकी आपको तैयारी कर लेनी है, इसकी परिभाषा आपको देख लेनी है, और इसका फॉर्मूला मैं भी लिख दूंगा अभी, ठीक है ना। तो इस स्तर पर आपको जब आपने इतनी लैंग्वेज लिखा हुआ है कि जब फोटॉन इस प्रकार से गिरता है, इलेक्ट्रॉन को टारगेट बनाता है, अपनी ऊर्जा उसको देता है, तो दो प्रकार से खर्च होती है, उसी दरमियान आपको ये कार्यफलन की परिभाषा लिखनी पड़ेगी। विद्यार्थियों क्या होता है कि जब किसी लेयर पे आप प्रकाश को गिराते हैं तो हर बार इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होता है, सबसे बड़ी कंडीशन होती है फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी एक मानक स्तर से ऊपर है, हाई फ्रीक्वेंसी है, तभी जो है प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो पाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जो आपका दृश्य प्रकाश है वो भी एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो आपका विजिबल लाइट होता है वो भी क्या है, वास्तव में क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो भी विद्युत चुंबकीय तरंग है। यदि वो तरंग किसी लोहे के तल पे या फिर किसी तांबे के तल पे या किसी धातु की सतह पे गिरता है तो वहाँ भी इलेक्ट्रॉन निकलने चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज द फ्रिक्वेंसी, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि जो भी प्रकाश फोटॉन के रूप में गिर रहा है उसकी एक्चुअल में फ्रिक्वेंसी कितनी है, वो आपको ध्यान रखनी है। तो कार्यफलन का सीधा मतलब है कि अब जो इलेक्ट्रॉन उस सतह पे गिरेगा धातु की सतह पे, उसकी ऊर्जा कितनी है, ओके। उसकी ऊर्जा भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, एक मानक स्तर पे होनी चाहिए, क्योंकि अगर कम ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन, कम ऊर्जा का कोई अगर फोटॉन गिरता है सतह पे तो वो इलेक्ट्रॉनों को बाहर नहीं निकाल पाएगा, ठीक है ना। इसीलिए लिखा गया है कि न्यूनतम ऊर्जा, मिनिमम एनर्जी जो किसी भी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करा सके, ओके। वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु से प्रकाश
इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कर सके, ठीक है ना, वही ऊर्जा धातु का प्रकाश वैद्युत कार्यफलन कहलाता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि बोर्ड में कभी कभी जो है कार्यफलन की परिभाषा लिखने को आती है, या कुछ चेक कर लेना है। ओके, यही परिभाषा आपको जहाँ भी लिखना पड़ेगा, जब आप प्रूफ की तरफ आगे बढ़ेंगे इसका सिंबल चेक कर लेंगे, सिंबल हो गया W और W बराबर एच न्यू, इसका फॉर्मूला चेक कर लेंगे, W बराबर एच न्यू नॉट लगाएंगे। ओके, अब केवल न्यू हमें न्यू नहीं लिखना बल्कि नॉट भी लगाना है। अब न्यू नॉट क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है ना, वो वास्तव में देरी आवृत्ति है। तो आपके प्रूफ में कार्यफलन के लिए भी और देरी आवृत्ति या संस्तत आवृत्ति के लिए भी स्पेस होना चाहिए। एक बार फिर चेक कर लेते हैं जल्दी हम लोग कि मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे, ये चीज़ आप समझ गए हैं। इसके बाद की लैंग्वेज को मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जब एच न्यू ऊर्जा का कोई प्रकाश फोटोन किसी धातु की सतह पर गिरता है, ओके, तो ये जो ऊर्जा होती है किसी धातु की सतह में मौजूद तमाम इलेक्ट्रॉनों में से किसी एक इलेक्ट्रॉन को प्रदान की जाती है। ओके, वह इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा को अब्जॉर्ब कर लेगा, अवशोषित कर लेगा। ओके, और अवशोषित करने के पश्चात ये जो ऊर्जा होती है उस इलेक्ट्रॉन के द्वारा दो प्रकार से खर्च होती है। दो तरीके हैं इस ऊर्जा को व्यय करने के। नंबर वन, कार्यफलन। कार्यफलन का मतलब ताकि वो इलेक्ट्रॉन सतह से बाहर निकल सकें, सतह से उत्सर्जित हो सकें, नंबर वन। और नंबर टू जो है, जब वो सतह से उत्सर्जित हो जाएंगे तब उनको गति प्रदान करना होगा ताकि वो सतह से तेजी से बाहर की ओर भागे। ओके, मतलब गति ऊर्जा। तो कुल मिला के ये जो एनर्जी आपने शो किया है ये बराबर कितना होगा, वो होगा डब्ल्यू के प्लस ई के। ई का मतलब वो एनर्जी, के का मतलब काइनेटिक। इन इलेक्ट्रॉनों को गति ऊर्जा प्रदान करने में खर्च होता है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका लेयर होता है, सतह होता है, उसमें जब आप फोटोन गिराएंगे तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन न केवल सतह के ऊपर से होगा बल्कि सतह के नीचे से भी इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर तक आएंगे। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब आप एच न्यू ऊर्जा को इस पर ड्रॉप कराते हैं तो ये एच न्यू न केवल लेयर से, सतह से, बल्कि खाद के नीचे से भी जो है इलेक्ट्रॉनों को ऊपर तक ले आएगा। तो आप ध्यान दें कि कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो कि लेयर से सीधे एक्साइटेड होकर बाहर निकलेंगे, भागेंगे इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में, ठीक है ना, और कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे भी हैं जो कि नीचे से ऊपर आएंगे। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन जो नीचे से ऊपर की लेयर तक आएंगे, नीचे से ऊपर की सतह तक आएंगे, उन इलेक्ट्रॉनों को धातु में मौजूद परमाणुओं से टकराना पड़ेगा, ठीक है ना। ध्यान देंगे कि जो इलेक्ट्रॉन धातु के नीचे से गहराई से ऊपर तक आएंगे उनको धातु में मौजूद परमाणुओं से टकराना पड़ेगा। अब उनकी जो ऊर्जा होगी वो इन सतहों से निकले हुए इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा से भिन्न होगी। तो कुल मिला के आप कह सकते हैं निष्कर्ष के रूप में कि भिन्न भिन्न ऊर्जाओं के जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन हैं, ओके, वो इस सतह से निकलने लगते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे यदि आप ये मान लें कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहा है, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से उत्सर्जित हो रहे हैं उनकी अधिकतम गतिज ऊर्जा ई के हो, ओके, और साथ में किसी एक प्रकाश इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा है जिसको मैंने एक्सप्लेन किया है डब्ल्यू के फॉर्म में, वो शो किया गया है। ओके, दोनों चीज लिखी हो गई है। और साथ में आपको ये बताना है कि जब एच न्यू ऊर्जा का फोटॉन जब गिरेगा तो दो प्रकार से व्यय होना है, ऊर्जा का कुछ भाग कार्यफल के रूप में, बाकी जो ऊर्जा बचेगी वो ई के फॉर्म में व्यय होनी है। तो आप शो कर सकते हैं कि जो एच न्यू होगा वो कितना होगा, वो होगा डब्ल्यू प्लस ई के। ओके, अब आपको यहाँ पे डब्ल्यू की परिभाषा बतानी पड़ेगी जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, वन न्यूनतम ऊर्जा जो कि धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक हो। ओके, वो कहलाएगा उस धातु का प्रकाश वैद्युत कार्यफलन, डब्ल्यू हो जाएगा। इसका जो मान हो किसी एक धातु के लिए एक ही होगा और भिन्न भिन्न धातु के लिए अलग अलग। ओके,
तो ये पहला स्टेप हो जाएगा। अब आप यहाँ से ईके का मान निकाल रहे हैं, ईके एंड ईके विल बी एच न्यू माइनस डब्ल्यू, ओके एच न्यू माइनस डब्ल्यू हो जाएगा। और देखिए डब्ल्यू को आप निज प्रकार से शो किया हुआ है, डब्ल्यू शो कितना एच माइनस एच न्यू नॉट, एच न्यू नॉट और न्यू नॉट का मतलब है दैनिक आवृत्ति। अब आपको यहाँ पे जो है दैनिक आवृत्ति को बताना पड़ेगा क्योंकि आप इसको लिखने वाले हैं ई के स्क्वायर टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। डब्ल्यू को मान भी हो गया है, दैनिक आवृत्ति को आप डिफाइन कर लेंगे। दैनिक आवृत्ति को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है, ओके इंग्लिश में, हिंदी में इसको संस्तब्द आवृत्ति के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। वैसे आपने न्यूनतम ऊर्जा को शो किया था, वैसे न्यूनतम फ्रीक्वेंसी भी होती है, मतलब कम से कम ऊर्जा के बाद कम से कम आवृत्ति जो कि किसी भी धातु के तल से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का एमिशन कर सके, ओके द मिनिमम फ्रीक्वेंसी दैट कैन एमिट द फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी सरफेस ऑफ गिवन, ओके दैट विल बी नोन एज थ्रेशोल्ड और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसको हम जो पदार्थ की दैनिक आवृत्ति या संस्तब्द आवृत्ति कहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ मैंने देखिए डब्ल्यू को ब्रेक कर दिया एच न्यू नॉट में, इसको आप एच कॉमन करके लिख सकते हैं न्यू माइनस न्यू नॉट। ई के लिए चेक कर लें, ई के जो होता है ये अधिकतम ऊर्जा है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और यदि जो अधिकतम वेग से कोई इलेक्ट्रॉन अगर निकलता है उसका वेग आपको बी मैक्स दिखाते हैं, ठीक है ना। इस वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन की यदि ऊर्जा ई के है तो आप लिखेंगे ई के स्क्वायर कितना 1.2 एम बी मैक्स स्क्वायर स्क्वायर टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। चेक कर लो इसको, ये आपने ई के को चेंज किया 1.2 एम बी मैक्स स्क्वायर में, बाकी जो लिखा हुआ है एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट वो शो कर दिया है, ठीक है। जिस प्रकार से देखिए आपने ई के का मान निकाल लिया है, जो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम वेलोसिटी से बाहर निकलेगा उसकी ऊर्जा ई के है, उसका वेग कितना लिखा है बी मैक्स स्क्वायर के फॉर्म में, हाफ एम बी मैक्स स्क्वायर के फॉर्म में, बाकी ऊपर वाले चलेगा, ठीक है ना। यही जो क्वेश्चन आप देख पाते हैं इसको हम लोग आइंस्टीन का प्रकाश पथ समीकरण के नाम से जानेंगे, उसके डेरिवेशन पेपर में आता है, बोर्ड में आता है, इसको आपको तैयार कर लेना है, ठीक है ना। और ये ऐसा ही क्वेश्चन है जिसके माध्यम से आप जो है प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के पांचों नियमों की व्याख्या कर सकते हैं, ओके पांच नियम जो बताए गए हैं वो उसकी व्याख्या हम लोग करेंगे। और फाइनली एक बार फिर से पूरा टॉपिक हम लोग चेक कर लेते हैं, ओके कंप्लीट क्या क्या बताया गया है। तो देखिए ये आपका इक्वेशन प्राप्त हो गया है, तो फिर से पूरा चेक कर लें, इक्वेशन आपको प्रूव करने को आ सकता है। निश्चित रूप से आप जो मैक्स प्लैंक का क्वांटम थ्योरी इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि आइंस्टीन ने अपने थ्योरी इस्तेमाल किया, और जो ये घटना होती है प्रकाश प्रभाव की घटना, इसकी सवाल व्याख्या की गई, प्रकाश ऊर्जा के छोटे पैकेट में चलेगा, फोटॉन के रूप में इसको जानेंगे, इनकी ऊर्जा को शो करना एच न्यू के फॉर्म में, ठीक है ना। और जब यही एच न्यू का कोई फोटॉन किसी तल पर गिरेगा तो अपनी संपूर्ण ऊर्जा किसी एक इलेक्ट्रॉन को प्रदान कर देगा, उसके स्वयं का जो वजूद है, उसके स्वयं का जो अस्तित्व है वो समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। और ये जो ऊर्जा होगी एच न्यू, ये दो प्रकार से खर्च होनी है, नंबर वन कार्यफलन मतलब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, और नंबर टू उन्हीं इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करने में, ठीक है ना। और मैंने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो न केवल धातु की सतह से बल्कि भिन्न भिन्न गहराइयों से ऊपर तक आएंगे, तो कुल मिला के जो फाइनली जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं बाहर वो भिन्न भिन्न ऊर्जाओं के निकलते हैं, ठीक है ना। तो यदि मैंने ये माना कि जो अधिकतम गति ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन है उसकी ऊर्जा एक है, और साथ में जो आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा है वो ई डब्ल्यू है, ठीक है। एच न्यू को डब्ल्यू प्लस ई के दिखाया गया है, और ई के का मान 1.2 एम बी मैक्स स्क्वायर कॉमन निकाल दिया गया, ये इक्वेशन बन गया। अब मैं आपको इन पांचों इन इस इक्वेशन के माध्यम से पांचों के नियम होते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के वो बताने वाला हूँ, ओके। तो फाइनली हम चेक करने वाले हैं कि जो आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण हमने प्राप्त किया हुआ इस फॉर्म में, इसके माध्यम से आप कैसे प्रकाश वैद्युत समीकरण के जो पांच नियम बताए गए हैं
उनकी पुष्टि हो सकती है। आपको मालूम होना चाहिए कि लेनार्ड और मिल्कन के द्वारा जो प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना चेक की गई थी और जो पांच नियम बताए गए थे, उन पांचों नियमों को आइंस्टीन के द्वारा प्रदान किए गए प्रदत्त स्थिति समीकरण के माध्यम से उनकी पुष्टि करनी है, ठीक है ना। तो हम चेक करते हैं किस प्रकार से आइंस्टीन के समीकरण के द्वारा आप जो है प्रकाश विद्युत समीकरण के पांचों नियमों की सफल व्याख्या कर सकते हैं। ओके, तो देखिए पहला पॉइंट क्या कहता है। पहला पॉइंट संबंधित है इंटेंसिटी या तीव्रता से, और निश्चित रूप से यदि आप प्रकाश की आपतित प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाते हैं तो आपतित प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाने का सीधा मतलब है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स आप बढ़ा रहे हैं, और नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से इस तल से घास की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन अधिक से अधिक मात्रा में होगा, ठीक है ना। तो देखिए यही क्वेश्चन यहाँ शुरू किया गया है निष्कर्ष कि आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण से स्पष्ट होता है कि किसी धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की उत्सर्जन की दर होती है तो धातु के पृष्ठ पर आपके प्रकाश की तीव्रता की समानुपाती होती है। सीधा मतलब है कि यदि आप प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाएंगे तो स्थल से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, तीव्रता को घटाते हैं तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर कम हो जाती है, ठीक है ना। नंबर वन हो गया। नंबर टू पे आते हैं। नंबर टू पे चेक करना कि आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत इक्वेशन से क्लियर होता है कि उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गति ऊर्जा जो कि आपने इसी के रूप में शो किया हुआ है आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। आपने इक्वेशन चेक कर लिया है विद्यार्थियों, आपने यहाँ देखा हुआ कि इसी के फॉर्मूले में कहीं भी प्रकाश की तीव्रता का स्टेप नहीं आ रहा है। ओके, देयर इज नो नी सिग्निफिकेंस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन दिस फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन गिवन बाय आइंस्टाइन, ठीक है। तो निश्चित रूप से जो तीव्रता होगी वो प्रकाश की जो कणारी की दर्जी होगा वो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। लास्ट में देखते रहें कि ये जो है यही प्रकाश विद्युत समीकरण का द्वितीय नियम है। इससे पहले आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, यही प्रकाश विद्युत समीकरण का प्रथम नियम है। नंबर थर्ड पे आ जाए। अब देखिए निश्चित रूप से जो ईके का फॉर्मूला आपने प्राप्त किया है आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण के माध्यम से उसमें कहीं भी तीव्रता नहीं है। तो यदि ईके का मान तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है तो किस राशि पर निर्भर करता है, तो कहीं जाना नहीं है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि यह एच न्यू बी नॉट दिखाया गया है, तो क्या बचा हुआ है न्यू, मतलब जो भी प्रकाश आपतित कराने वाले हैं उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है। ओके, उसकी तीव्रता कितनी है। तो थर्ड पॉइंट यही बन जाएगा कि उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गति ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता न्यू पर निर्भर करती है। ओके, यही प्रकाश विद्युत प्रभाव का या उत्सर्जन का तृतीय नियम है, थर्ड लॉ। ओके, चौथा पॉइंट देखिए। चौथा पॉइंट बताया गया है न्यू नॉट के बारे में, दैर्ध्य आवृत्ति के विषय में, और चूंकि आपने प्रकाश जो गिराया हुआ है वो न्यू फ्रीक्वेंसी का है, आपको ध्यान देना है कि जो न्यू का अनुमान होगा हमेशा न्यू नॉट से बड़ा होगा, ठीक है ना। न्यू की जो वैल्यू होगी हमेशा न्यू नॉट से बड़ी होनी चाहिए। अगर न्यू का मान न्यू नॉट से छोटा है, ध्यान देंगे यदि आपकी प्रकाश की आवृत्ति एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति से कम है तो किसी भी हाल में प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे, प्रकाश वैद्युत प्रभाव नहीं होगा, ठीक है ना। और ये जो न्यूनतम आवृत्ति है मैंने आपको पहले ही बता रखा हुआ है, इसी में कंटिन्यू कर लेंगे। यहाँ से देखें यदि आपकी प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम मान से कम होती है, ओके, धातु से कोई भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है, और यही न्यूनतम आवृत्ति जो किसी पदार्थ के तल से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कर सके उस पदार्थ की दैर्ध्य आवृत्ति या संस्तब्ध आवृत्ति न्यू नॉट कहलाती है। इसका जो मान होगा एक निश्चित धातु के लिए फिक्स होगा और भिन्न भिन्न धातु के लिए पृथक पृथक या अलग अलग हो जाएगा। नंबर फाइव पे आ जाए। याद रखिए कि यही जो है यही प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का चतुर्थ या चौथा नियम होता है। फाइनली हम पहुंचते हैं पांचवें नियम पे। पांचवा नियम कहता है कि जैसे ही आप कोई फोटोन के फॉर्म में प्रकाश गिराते हैं
तल के ऊपर, ओके, वैसे ही सतह से या धातु के तल से प्रकाश इलेक्ट्रॉनिक का उत्सर्जन होने लगता है, मतलब इनके गिरने और इनके निकलने के बीच में कोई समय पश्चता नहीं होता है। देयर इज नो एनी टाइम लैग। देखिए लिखा हुआ है कि प्रकाश के धातु के पृष्ठ पे गिरते ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, अर्थात प्रकाश के पृष्ठ पर आपतित होने, ओके, प्रकाश के पृष्ठ पर आपतित होने और सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के निकलने के मध्य, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के निकलने के मध्य कोई समय पश्चता नहीं होती है, ओके, कोई समय पश्चता नहीं है। यही प्रकाश वैद्युत प्रभाव का या भी यही प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का पंचम नियम है। पांचवा नियम जो है यही बन जाएगा। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आपने पांचों नियमों की व्याख्या कर ली है, क्योंकि आइंस्टीन के बेहद महत्वपूर्ण इस इक्वेशन के माध्यम से शुरू किया गया है। आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको इनका इनके आधार पर पांचों नियमों की व्याख्या करने बैठेंगे तो आप नंबर 1, 2, 3, 4, 5 के रूप में दिखाएंगे और शुरुआत में ये लिखेंगे, शुरू में ये लिखेंगे आइंस्टीन के प्रकाश संक्रम से स्पष्ट है, लास्ट में लिखेंगे जो है यही प्रथम नियम है, यही द्वितीय नियम है, यही तीन नियम है, किसका, प्रकाश वैद्युत प्रभाव का या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का। तो मैंने पांचों नियमों का स्पष्टीकरण कर दिया है आइंस्टीन के इस प्रकाश वैद्युत समीकरण के आधार पर पांचों नियमों का वेरिफिकेशन हो चुका है। बोर्ड में अक्सर कंप्लीट क्वेश्चन में जो है इसका निगमन आता है, जो मैंने आपको अभी कराया हुआ है उसका निगमन आपको देख लेना है। पृथक पृथक फॉर्म में जो है कार्यफलन की परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है, दैर्ध्य आवृत्ति की परिभाषा आपको देख लेनी है, कार्यफलन पे क्वेश्चन आते हैं, ओके, और फाइनली आपने ये जो क्वेश्चन डेरिवेशन की फॉर्म में शुरू किया है इस पर आप न्यूमेरिकल जरूर लगाएंगे। आप बोर्ड का कोई आंसर का कोई भी चेक कर लीजिए, कोई पेपर देख लीजिए फिजिक्स का, उसमें ईच एंड एवरी सेट कंटेन दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल, इस पर न्यूमेरिकल पक्का आता है। इसका आप डेरिवेशन चेक कर लेंगे, पांच नियम देख लेना है, कार्यकर्म की परिभाषा को देख लेनी, इसका निमेकल देख लेना है, डेली आवृत्ति को भी चेक कर लेना है, ठीक है ना। एंड ओके थैंक्स टू वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।